ऐसे पहाड़ों में चढ़ने का जो मजा है और कुछ है। ये देखो पूरा फिसलन वाला मिट्टी है, गिर चुका हो। ये देखिए हाथ खुलक चुका है मेरे, थोड़ी सी जख्म हो चुकी है, कमर मोड़ी का पाला, और ये कमर मोड़ी का पाला मैं थोड़ा सा ट्रैकिंग करते करते थोड़ा सा जो है गिर गया था, और ये थोड़ी सी चोट मुझे यहाँ लग गई थी, और वही चोट को भरने के लिए मैं अभी इसको रस निकालूँगा, और ये रस जो है ये मेरे थोड़े जख्म को मैं लगाऊंगा। ये देख लीजिए तो मेरी ये जख्म जो है पूरी तरह से भर जाएंगी। तो ऐसी जगह पे जड़ी बूटी भी मालूम होना चाहिए। मरमुड़ी का पाला खून को रोकने में बहुत मददगार होता है, जिसकी मेरी ये चोट है बहुत आसानी से जो है भर जाएंगी। तो चलिए, लेकिन जाऊंगा मैं यही टेकड़ी के ऊपर से, टेकड़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश किया था लेकिन बहुत ही खड़ा पहाड़ था, तो ये थोड़ा सा टेकड़ी में चढ़ूंगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। देख लीजिए मैं अभी चढ़ रहा हूँ टेकड़ी, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा टेकड़ी चढ़ के मैं ऊपर तक जाऊँगा। और वो जो झोपड़ी दिख रही है वो झोपड़ी पॉइंट पे ही हमारे लोग बैठे हुए, और यही हमारे साथी जो है झोपड़ी में पार्टी बना रहे हैं झोपड़ी पॉइंट के ऊपर। क्या क्या भाई, और ये देखिए पूरा पक गया है भैया मटन, और अब कोथम्बी डाला जा रहा है, ये देख लीजिए चम्मच, और चम्मच से हिलाया जा रहा है। अरे पका के नहीं पका, थोड़ा सा क्वालिटी चेक कर रहे हैं वहाँ पे। बढ़िया तरीके से ये चूल्हे पर का मटन पक गया है, और ये हमारे कुछ दोस्त है यहाँ के जो लोकल मेरे फ्रेंड्स है, उनका थोड़ा इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं। तो भाई आपका नाम बताओ भाई। शोएब खान नाम है। तो आप कौन से गांव के रहने वाले? बुरहानपुर के। तो भैया देखिए जो ये हरिपुरा का जो हरा भरा नज़ारा है, ये देखने के लिए थोड़ा दिखा दे भाई हरिपुरा का नज़ारा। ये बुरहानपुर से यहाँ घूमने के लिए आए हो, तो बुरहानपुर कितना दूर है भैया यहाँ से? यहाँ से बुरहानपुर है 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर दूर है यहाँ से बुरहानपुर, और 75 किलोमीटर से हरिपुरा का नाम सुन के मतलब डैम देखने के लिए आए, घूमने के लिए आए एंटरटेनमेंट के साथ। आपका नाम बताओ भाई। हमारा नाम मुदस्सिर शेख। ये मुदस्सिर शेख है, और आप भी क्या? मैं भुदौल के रहने वाले। अच्छा, हाय मैं हूँ आपका दोस्त और हमारे चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। अल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पांच के जी मटन लाया था, थोड़ा सा रस्सा बचा है और भाकर बची है। ज्वार की भाकर खाते हो ना आप लोग? ले लो कोई बर्तन ले लो, चलो जल्दी। गाजर रोटी सब दे दे भाई। खाना जो है कभी फेंकना नहीं चाहिए ऐसा बोलते हैं, और वही काम हम अभी कर रहे हैं भाई। ठीक है शेरचिंग जी,
बढ़िया सा एंजॉय करो बच्चों के साथ में। और धन्यवाद आपने हमारे को थोड़ा सा शूट लेने दिया आपके झोपड़ी का, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर मेरा ये हरिपुरा का जो ब्लॉग है, ये जो पर्यटन स्थल है, ये देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा हरिपुरा का पर्यटन स्थल है, ये अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बढ़िया सा नैन रम्य दृश्य मुझे दिखाने का एक उद्देश्य था। जलगांव डिस्ट्रिक्ट का जो ये हरिपुरा एक डेस्टिनेशन है, बहुत ही हरियाली वाला प्लेस है, वही मैं दिखाना चाहता था और आज मैं आपको दिखा दिया है। आज संडे है और संडे का एक ब्लॉग मैं ज़रूर बनाता हूँ। आज बहुत पूरा दिन भर ही इंजॉय किया है और अभी शाम हो गई है तो हम यहाँ से अभी निकल लेते हैं। नहीं तुम तो नहीं ना आना ही चाहेगा बना तुम्हें। हम तो ब्लॉग तैयार होते हैं, ब्लॉग होता है यूट्यूब साठी आणि बढ़िया प्लेस वर आले तुम्ही, एकदम बढ़िया प्लेस वर समझ लगा, एकदम बढ़िया प्लेस वर। कुठचे काका तुम्ही, कुठचे? जळगाव से। आले हा बढ़िया। अरे बाप रे, साथ में एक बुजुर्ग काका है, कहाँ से आए काका आप? जळगाव। जळगाव, और आपका नाम क्या है? रफीक पठान। ये रफीक पठान जी है, ये देखिए हरिपुरा में स्पेशल मतलब, हाँ इनको भी दिखा दो भाई। हाँ देखो जी। और मेरा चैनल है MKMJ नाम से, और आपके ब्लॉग में आपको दिख जाएंगे आप सब लोग। थैंक यू। ठीक है, मेरे 2500 के ऊपर सब्सक्राइबर है और सवेरे से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। और ये चेन्नई के स्टार क्या नाम है सर आपका? मैं वेणुगोपाल अय्यर मतलब साउथ के ही है। यस। अरे बाबरे आवाज हो गया, हमको ये लगा कि भाई तो सुन लो तू, मतलब वेणुगोपाल मुत्तुस्वामी अय्यर। थैंक यू। यहाँ के कई कितने दिन से, मतलब बचपन से मैं पैदा यही हुआ, मेरे पिताजी उधर से इधर आ गए थे। तो लगी रहे भैया लुंगी डांस वाले, वो अभी जो पुष्पा पिक्चर देखा आपने? पुष्पा तो मेरा चचेरा भाई लगता है दूर के नाते से। अरे वो नहीं, उन्हें वो पुष्पा पिक्चर जो लगा है, वो पिक्चर वाला हीरो की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो यार, धन्यवाद। तो चलिए भैया इन सबको लोगों को कैमरा घुमा दो। तो धन्यवाद हमारे चैनल के लिए, बाय बाय टाटा करो। ओके धन्यवाद। और ये देखिए इस प्रकार से ये नज़ारा है हरिपुरा का, बहुत ही सुंदर ऐसा नज़ारा मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। और ये देख लीजिए बहुत ही ट्रैकिंग के लिए, और ये छोटा सा नाव भी है।